चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट का थ्योरी बता दिया था, आज बता रहे हैं उससे हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आज, हाउ टू सॉल्व। ठीक है, चलिए। चलिए, तो आज बताने वाले हैं आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आज? आज कॉन्सेप्ट दे रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जिसका मॉडिफाइड वर्जन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसा कि हमने थ्योरी में आपको बताया। ठीक है, तो थ्योरी से भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं तो ज़्यादा ईजी हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए तो हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए चलिए, तो पहला इसमें हमने बताया गया ग्राफिकल अप्रोच बता रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है ग्राफिकल अप्रोच, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो गुडविल कैलकुलेट करना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज फार्मूला होता है, जिसमें से कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चंस में दिया होता है, बता दिए, नहीं दिया रहेगा तो 3 और 5 ईयर मान लेंगे, तो ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया रहता है। ठीक है, तो जैसे आपका ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा, तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और जैसे प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, इसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 में हमारा गुडविल आ जाएगा। तो इसे 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है, बहुत इजी है, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, तो फिर से ध्यान दीजिए, हम लोग स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो स्टेप में हम लोग सिर्फ 2 स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1 कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट गुडविल। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका हम फॉर्मेट बता देते हैं, अभी सिर्फ हमने बताया है कि कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, चलिए, तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिर्फ लिखेंगे नहीं, यहाँ पे बताएंगे भी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा टर्म्स है, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करते हैं वेटेड, देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, सबसे पहले हम लोग ईयर लिखेंगे। ठीक है, जो भी ईयर दिया रहेगा, सपोज कि 2000 जो भी रहेगा, 17, 18 कुछ भी जो भी दिया रहेगा, उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, जितने साल का दिया रहेगा यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस में प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा या तो लॉस दिया रहेगा, एक्चुअली इसमें हमने आपको बहुत सिंपल बताया, इसमें भी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो हमने आपको जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में जो केस 1 केस 2 केस 3 करके डिवाइड किया है, यहाँ भी आप कर सकते हैं। प्रॉफिट हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉफिट आपको कॉम्प्लिकेटेड दे दे, आप नॉर्मल प्रॉफिट दे दे, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ भी एक स्टेप और बढ़ सकता है, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, देन स्टेप 2 कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, उसके लिए माइंड को रेडी रखिएगा कि आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो जो प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, सपोज कीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि थर्ड ईयर में लॉस दिया हुआ है, फिर फोर्थ ईयर में प्रॉफिट दिया हुआ है, ऐसा ही कुछ रहेगा, ये एज्यूम कर रहे हैं। तो वेट दे देंगे हम लोग, हमने बताया था ना, हर एक प्रॉफिट को वेट देते हैं। तो वेट कैसे देंगे, जैसे कि इस तरह से है ना, सपोज 17, 18, 19, 20 है, तो 17 को हम कम वेट देंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे वेट देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में देखिए कैसे दिया रहता है, यहाँ पे दिया रहेगा 20, 20, 19, 18, 17, ऐसा नहीं 1, 2, 3, 4 दे दीजिएगा, लास्ट ईयर 17 को हम 1 देंगे, 18 को 2, ऐसे करके देंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान, मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट इंटू वेट। प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू वेट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा यहाँ लिख देंगे, ये माइनस में है तो 3 से माइनस करेंगे तो ये भी तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको एक कॉलम में बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, हमने क्या बताया था, उसके बाद प्रोडक्ट का टोटल करते हैं, इसका टोटल करेंगे, जिसको हम लोग सिग्मा का सिंबल भी दे सकते हैं, फिर वेट का टोटल करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग वेटेड एवरेज निकालेंगे, जो बताया ना कैलकुलेटर, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ऐसे ही निकालिएगा, वेटेड एवरेज
प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटा टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल वेट, ठीक है। चलिए तो स्टेप वन कल हो गया, उसके बाद स्टेप टू में क्या करते हैं, कैलकुलेट गुडविल। बहुत सिंपल है स्टेप नंबर टू। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल है, तो हम लोग स्टेप नंबर वन में कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सेकंड में गुडविल करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान रखिए यहाँ पर स्टेप टू स्टेप थ्री हो सकता है, अगर प्रॉफिट एबनॉर्मल दिया रहेगा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर आप यहाँ पे आएंगे। तो हमने केस टू और केस थ्री बताया था, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं आप, पहले कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट देन कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझा देते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने सेम एग्जांपल लिया जो शुरू से लेते आ रहे हैं, सिंपल यहां पे सिर्फ अलग क्या कर रहे हैं कि आज जो सॉल्व करेंगे इसको हम यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। Using weighted average profit method. चलिए सॉल्व करके दिखा देते हैं, इसको कॉपी नहीं करना है आपको, सिर्फ देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो हाउ टू सॉल्व कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसमें ईयर दे देंगे फिर प्रॉफिट लिख देंगे, लॉस रहेगा तो लॉस लिख देंगे, वेट दे देंगे और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या एग्जांपल में लिया है, 2017 लिया है, 2018, 2019, 2020 एग्जांपल तो आप लोग को याद हो गया होगा, सेम एग्जांपल कैरी कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने 2017 में जो प्रॉफिट लिया है 50,000, 18 में 1 लाख, 19 में 1,50,000 और 20 में 2 लाख, वेट देना है 1, 2, 3, 4। तो इसको कम वेट देंगे, इसको ज़्यादा वेट देंगे, तो शुरुआत करेंगे वेट का यहाँ से 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रॉफिट इनटू वेट इक्वल टू प्रोडक्ट, 50,000 इनटू 1, 50,000, 1 लाख इनटू 2, 2 लाख, 150 इनटू 3, 450, 2 लाख इंटू 4, 8 लाख। फिर हमने क्या बताया था, प्रोडक्ट का टोटल करते हैं 15 लाख, फिर वेट का टोटल करते हैं 10, ठीक है। अब स्टेप नंबर वन ही चल रहा है अभी, हम लोग क्या निकालेंगे, पहला वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। प्रोडक्ट था 15 लाख, वेट था 10, डिवाइड करेंगे 1,50,000। स्टेप नंबर वन में हमने वेटेड एवरेज निकाल लिया, स्टेप नंबर टू में गुडविल, तो गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वेटेड एवरेज आ गया 150, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने सब में 5 ईयर लिया है, ठीक है, कितना आ जाएगा 7 लाख
50,000, ठीक है। इसमें गुडविल कितना है, 7,50,000 आया, जो कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए गुडविल ज़्यादा आया। पहले वाले में शायद 625 आया था, इसमें ज़्यादा गुडविल आया, अच्छा आया, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप समझ गए अच्छे से, चलिए। तो इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है आज, सिर्फ कॉपी क्या करना, एग्जाम्पल था आज, कॉपी सिर्फ इसको करना है। स्टेप स्टेप अप्रोच में क्या करेंगे, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको क्वेश्चन बनाने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको कॉपी कर लीजिए। Thank you.